Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi alan nas hijjul bayt man istata إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين सानू फिर अपने काबे बुला मेरे मौला साड़ी सुती किस्मत जगा साडे मौला फिर अपने काबे बुला मेरे मौला मेरी सुती किस्मत जगा मेरे मौला करा की मेरी बेकरारी नहीं जांदी करा की मेरी बेकरारी नहीं जांदी गुजारा किवें हुन गुजारी नहीं जांदी मेरी उजड़ी दुनिया वसा मेरे मौला मेरी उजड़ी दुनिया वसा मेरे मौला अपने काबे सानू बुला मेरे मौला मक्का भी वेखा मदीना भी वेखा मक्का भी देखा मदीना भी देखा अपने काबे बोला मेरे मौला मेरी सुती किस्मत जगा मेरे मौला काबे दे अल्लाह मैं चक्कर लगावा काबे दे दीवारे अल्लाह मैं चक्कर लगावा लब्बैक अल्लाहुम्मा दे नगमे सुनावा रज रज के जमजम पिला मेरे मौला सानू ही अपने काबे बुला साडे मौला आमीन अल्लाह ताला दी हमदो सना हमदा सनावा किबरियाई बड़ाई तारीफात अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जात वास्ते है बेशुमार लातादाद बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम इमामुल अंबिया मुर्शिद आजम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अकदस प्यारे भाइयो आज दे खुतबा जुमा दे अंदर मैं तुहाडे सामने जिहड़ा उनवान बनना बयान करना चाहना गरीबों का हज मिसकीन गरीब माड़े बंदे महंगाई उरूज ते कई सालां दे साल हो गए दरखास्तां जमा कराते ने कोशिश के बावजूद नंबर नहीं लग रहा जिन्हों का नंबर लग गया 12-13 लाख रुपए हज का खर्चा
2-2.5 lakh उमरे दा ते नाल उते राशन पानी 1-1.5 lakh ओ लगा लो ते किथे जावे। अल्लाह पाक साढ़े मुल्क ते रहम फरमाए। जो इबादत ने कम अज कम उन्हना दे अंदर थोड़ी जी रहत होनी चाहिए ताकि लोग इबादत सौखे तरीके नाल कर लेन। की ख्याल है? मैं सोचा कि अजकल जहाज उड़ रहे ने, फ्लैटां तुर पईयां ने, हज बैतुल्ला ईद उल अजहा करीब है, कई तड़प रहे ने, कई तरस रहे ने, ते कई जा रहे ने, ते जिहड़े माड़े गरीब ने दिल ते उन्हां दा भी धड़कदा है कि बैतुल्ला दा हज तवाफ करिए। घरे डंग जोगे पैसे नहीं, आटा दाणा राशन घरे नहीं, दिल ते धड़क रहे हैं, उन्हां वास्ते कोई हौसला होना चाहिए, कोई तसली, कोई इंज दे आमाल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जबानों अल्फाज निकले होण मोती के करे रहिंदियां अगर इन्ने पैसे ताकत नहीं ऐ अमल करो अल्लाह पाक तुहानूं हज दा सवाब अता कर देवे। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन गरीब माड़े बंदे आ गए, शाहद भाई स्पीकर ठीक कर दे, अल्लाह पाक तन जदाए खैर दें दी रेड़ बना, बाकी सारी आवाजा बंद करके चलाए नो सही कर। गरीब माड़े बंदे एक दिन नबी पाक को लाए। आज दा मेरा मौजू है गरीबों का हज। गोडे झड़ दियो मेरी तरफ देखो, इंशाल्लाह तवज्जो करोगे तो गल समझ आएगी, बड़ा फायदा होगा। गरीब बंदे नबी पाक को लाए। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए ते आके आंदे ने, सोणियो चौधरी बंदे, मालदार बंदे, पैसा खर्च करके सदका खैरात कर दे, अल्लाह दे राह दे अंदर देंदे ने। अमीर बंदे हज बैतुल्ला ते उमरे तवाफ करी जांदे ने। ए महबूबा, असा गरीब माड़े बंदे, साडे कोल इतनियां दौलतां नहीं, असा इन्हां दे अजरो सवाब नूं किवें पहुंचीए, सानूं कोई अमल दसो। जिवें पिछले तो पिछले जुमे से उस लैन ते लिया हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा माड़ा गरीब अल्लाह दे राह दे अंदर दे नहीं सकता, खर्च नहीं कर सकता, तवज्जो है। इमाम कायनात फरमांदे गरीब ते माड़ा बंदा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करे, ऐ वजीफा ते जिक्र अज़कार करे। अल्लाह पाक इस गरीब बंदे नूं इन्हां अमीरां ते चौधरियां दे बराबर अजरो सवाब अता कर देवेगा। एक मालदार बंदा रब दे राह अंदर दिंदा है, हज करता है, उमरे करता है, मसाजिद मदरसे बनाता है, गरीबा नूं दिंदा है, वो ते बड़ी नेकी है। हुण गरीब कोल कुछ देण नूं है ही नहीं, आका फरमांदे ने ए वजीफा पढ़ ले। अल्लाह पाक नेकी अजर दे मामले अंदर उस अमीर ते चौधरी दे बराबर अजरो सवाब अता कर देवेगा। हजरात, मेरा मौजू इंदे नाल मिलदा जुलदा है कि गरीब माड़ा बंदा 13-14 lakh सिर्फ किराया, रहशा, टिकटां ते गवर्नमेंट दीआं फीसां, उत्थे भी जिहड़ा खर्चा करना है वह कड़े पासे जाए, ते हज करन नूं दिल भी बड़ा करदा क्योंकि अजरो सवाब बहुत ज्यादा। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा बैतुल्ला दा हज करदा है, हज बैतुल्ला अल्लाह पाक जिंदगी दे गुणा इंज मुआफ फरमा देंदा है
जिवें मां दे पेट विचों अज ही पैदा होया है। पहले मैं थोड़ा जा हज दा तुहानूं अजरों सवाब दसां ते फिर ताके मसले दी समझ आए कि इत्थे बह के सवाब लेना किवें। तवज्जो रहेगी ना इंशाअल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ। मेरा भी दिल करदा तुहाडा भी दिल करदा रब राजी हो जाए। गुणावां तों इंज असीं साफ हो जाईए जिवें मां दे पेट विचों अज ही बंदा पैदा होया है। बैतुल्ला दे हज दा इतना अजरों सवाब। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो उमरा आइंदा उमरा तक गुनावां तू कफारा है। यानी बंदा साल एक उमरा दूजे साल दूजा साल दे दरम्यान जितने गुनाह अल्लाह पाक मुआफ फरमा देंदे ने पै दर पै उमरा करन नाल फाका दूर गुनाह मुआफ कारोबार अंदर अल्लाह पाक बरकतां अता कर देंदे। ते जिहड़ा बंदा बैतुल्लाह दा हज करे हजरात सुन्नत बा मुताबिक हज मकबूल हज दा मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अजरो सवाब इतना अल्लाह पाक जिंदगी दे सारे गुनाहां नूं मुआफ फरमा देंदे ने। हजरात गल सुनिया जे तीसरी हदीस सुनो। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल ने आखरी वक्त फौत होन तू पहले न रो रो के गल सुनाई। साथी नूं आंदे ने जदों मैं नबी पाक कोल कलमा पढ़न वास्ते आया अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला हुण अपनी बीती सुना रहे ने फरमांदे ने मैं नबी पाक दे कोल कलमा पढ़न आया हाथ अग्गे कीता ए महबूबा मेरे कोल बैत लिलो कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। नबी पाक ने हाथ अग्गे कीता अमर ने हाथ पिछा खिंच लिया। रज़ी अल्लाह तआला आका फरमांदे तू हाथ पिछा क्यों कर लिया। आंदा सोणियो पहले मैनू फरमाओ ए जितने मैं गुनाह कीते जितने पाप कीते ने क्या अल्लाह पाक ए मेरे जिंदगी दे गुनाह मुआफ भी करेगा के कोई ना। कलमा पढ़न वाकया गुनाह भी मुआफ होणगे के नहीं। आका फरमांदे ने अमर बैत बाद अंदर करी पहले गल सुन लै जेड़ा बंदा कलमा पढ़े दीने इस्लाम कबूल कर लवे इस्लाम दी बरकत दी वजह नाल अल्लाह पाक उंदी जिंदगी दे सबका वड्डे छोटे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहां गुनाहां ते अल्लाह पाक मुआफी दे कलम फेर देंदे ने। तमाम जिंदगी दे गुनाह मुआफ इस्लाम दी बरकत नाल कलमा पढ़न दी बरकत नाल। आका फरमांदे जेड़ा बंदा दीने दीने इस्लाम ली हिजरत करे मुहाजरीन दी जिंदगी दे सारे गुना मुआफ। तीजी गल सुनो आका फरमांदे वा इन्नल हज्जा यहदीमु मा काना कबलाउ जेड़ा बंदा बैतुल्लाह दा हज करदा है अल्लाह पाक जिंदगी दे पहले साफ का सारे गुनाहां नूं मुआफ फरमा देंदे ने। कलमा पढ़न दी वजह नाल जिंदगी दे गुनाह मुआफ। प्यारे भाइयो दीन इस्लाम लई हिजरत करन दी वजह नाल सारे गुनाह मुआफ। बैतुल्लाह दा हज करन दी वजह नाल अल्लाह पाक जिंदगी दे सारे गुनाह मुआफ फरमा देंदा है। अल्लाह करे रब मेरे तुहाडे नसीब अंदर कर देवे। खुदा नू मनाना मुहम्मद ने दसिया दीदार पाना मुहम्मद ने दस सल्लल्लाहु
درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نو کیویں راضی کرنا ہے رسول اللہ نے دسیا فرمایا ہے خدا نو منان. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بڑے وجد وچ جملے پڑھیا کر دے خدا نو منانا محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا تے بھکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا چڑے جد لڑائی کفر دی طرفوں تے کفر نو مٹانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دلال فرما دے نے جڑا بیت اللہ دا حج کرتا ہے اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر دیندا ہے. عمر بن العاص نے ہاتھ اگے کیتا ہے تے حضرات کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے. میں عرض کرنا چاہنا بیت اللہ دا اتنا حج کرن دا اتنا بڑا اجر زندگی دے گناہ معاف بندہ انج گناواں تو پاک صاف ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا ہویا ہے. اللہ پاک میرے تواڈے نصیبے اندر عمرہ تے حج بیت اللہ کر دےوے. آمین کہو. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے, بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اچھا اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو حکم فرمایا ہے کدوں جدو بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے فرمایا میرے خلیلہ انج کر ہن اعلان کر دے کہ آ لوگو اس گھر دا حج کرو بیت اللہ دا طواف کرو. حضرت ابراہیم نبی آندے نے یا اللہ میں بیت اللہ دے اندر اعلان کرا واسطے مار دینا مشرق مغرب شمال جنوب یہ اتنی دور آواز کیویں پہنچے گی لوگ کیویں سنن گے آن گے کیویں. اللہ پاک فرماندے نے میرے خلیل آوازاں مارنیاں اعلان کرنا حج دا صدا دینا تیرا کام ہے. دنیا دے کونے کونے تو لکھاں دی تعداد اندر بیت اللہ دے اندر جمع کر دینا میں رب رحمان دا کم میں. سبحان اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَعَزِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ سَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ امیر. اللہ پاک فرماندے میرے ابراہیم خلیل بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے حج بیت اللہ واسطے بیت اللہ دی زیارت حج واسطے اعلان کر دے لوکاں نوں آواز مار دے منادی کر دے وَعَزِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ زَامِرٍ. اللہ پاک فرماندے نے لوگ چوک در چوک آن گے فوجاں در فوجاں کمزور تے لاغر سواریاں تے بہ کے بیت اللہ دے طواف نو آن گے عمرہ کرن آن گے حج کرن آن گے
खलील कहन लगा या अल्लाह ये आवाज दूर तक पहुंचेगी किवें। फरमाया ऐलान करना तेरा काम है, दुनिया दे कोने कोने तक तेरे ऐलान नूं पहुंचाना मैं रब रहमान दा काम है। मिन कुल फज्जन अमीक, दूर दराज तू दुनिया दे कोने कोने तू लोग बैतुल्ला दा हज करन आणगे। खलील ने ऐलान कर दिता है हुण लखां तादाद पंजी पंजी ती ती लख बंदा ते उमरा करन वास्ते पहुंच जांदा है। हजरात बेशुमार लोग बैतुल्ला दा हज करन वास्ते पहुंच जांदे। सुन सुन जरा ध्यान नाल मैं अर्ज करना चाहना। अच्छा एक सवाल और पैदा होंदा है के हज केना लोकां ते फर्ज है, ऐ जरा कुरान सुनया जे। अल्लाह पाक फरमांदे ने फी आयातुम बैनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिनन वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह पाक फरमांदे ने सुनिया जे लोको त्यान नाल वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला बैतुल्लाह दा हज साहिबे ताकत लोग साहिबे हसीयत लोकां ते फर्ज है जिन्हां नूं रब ने तंदरुस्ती दित्ती है माल दित्ता है दौलतां वी फरावानी है रिजक दी फरावानी है हजरात सेहत ते तंदरुस्ती है किसे चीज दा गुरबत ते फाके दा डर नहीं बीमारी दा डर नहीं कमजोरी दी कोई परेशानी नहीं यानी ताकत भी तंदरुस्ती भी माल भी उन्हां लोकां ते। अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह दा हज जिंदगी अंदर एक मर्तबा फर्ज कर दिता है। अगे फरमाया वमन काफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन जेड़ा अल्लाह पाक दे हुक्मां दी ना फरमानी करे पैरवी नहीं करता अल्लाह पाक इंज दे लोकां तू बेपरवाह है यानी ताकत दे रखन दे बावजूद कदे सोचिया ही नहीं बैतुल्लाह जान दा हज दा ज़हन च नहीं आया जाना नहीं चाहता। ऐसे लोकां वास्ते सख्त वईद नबी पाक ने फरमाई है हर साहिबे हसीयत ते बैतुल्लाह दा एक मर्तबा हज बैतुल्लाह फर्ज है। गौर करना तवज्जो फरमाना हां जेड़ा ताकत नहीं रखता उन्दे वास्ते रुखसत है उन्दे लिए अगे बात आ रही है कि उन्हें की करना चाहिए। बाज लोग ना दौलतां बड़ियां माल बड़ा आंदे ने मौलाना तुसी अज बैतुल्ला उत्थे लोग जाके मर जांदे ने ते ला वारसां दी तरह असी नहीं मरना। अल्लाह मेरी तौबा ईमानदारी नाल दसो क्या इत्थे मौत नहीं आउणी मौते आउणी आउणी है जे बैतुल्ला दा तवाफ करदे आ उमरा करदे आ हज बैतुल्ला करदे आ मौत आ जाए इहदे नालों वड्डी सआदत वाली गल है ही नहीं। एक चौधरी आंदा मैं नहीं जाना लावारसां दी तरह मरना खुदा दी कसम गड्डी ते बैठे आ ते जदों उतरिया अगे भी मेरा ख्याल है मैं तुहानूं गल सुनाई है ते जदों उतरिया रोड क्रॉस करन लगा टक्कर लगी उत्थे रोड ते ही हजरात मौके ते ही दम तोड़ गया। बस वालिया क्या ये ते हुणे साहिवाल नूं आ रहा सी उन्हें चुकिया अगले स्टाप तो साहिवाल पहुंचाया दो दिन ऐलान होए कोई वाली वारस नहीं आखिरकार जनाजा पढ़ के दब दिता वो वोरासा लभदे लभदे हफ्ते डेढ़ बाद जदों लोगों को कहा उन्हें तस्वीरां दिखाइया ए बाबा इत्थे रोड एक्सीडेंट अंदर फौत होया जनाजा पढ़ के वह दब दिता बल्दिया ने वो आंदे ने ते मुरब्बियां दा मालिक है साडा अब्बा वो खुदा की कसम जिन्हें ला वारस होके मरने उन्हें इत्थे भी मर जाना है। मूह इंज दे बोल बोलो कितने रब नाराज ना हो जाए आंदा जी बैतुल्ला जावां उत्थे ला वारस होके मर जा
करांगा। खुदा दी कसम रब ने इत्थे इंज दी मौत दे दित्ती। अठां दसां दिनां बाद बोरा सानू पता लगा कि साडा अब्बा फौत हो गया है। मैं अर्ज करना चाहना इंज दे जुमले ना बोलिया करो। पहाड़ा ते चढ़दे सैलाब वेखे, पहाड़ा ते चढ़दे सैलाब वेखे, विच कंडियां दे रुलदे गुलाब वेखे। दौलत एडा मान ना कर बंदिया, सड़कां ते रुलदे नवाब वेखे। जे नहीं यकीन क्या दो तीन दिन पहले ना सोशल मीडिया चेक कर लो। खुदा दी कसम जेड़े ए कुर्सियां ते बैठ वाले लुकदे फिरदे ने, भजदे फिरदे ने, चौधरी ते नवाब मूह लुकांदे फिरदे ने। हजरात तबीयत सेट हो रही है, ये किसे ते भी दिन आ सकदा है। अपना ताल्लुक रब नाल मजबूत करो। जदों तुसीं बगावतां करनियां, नाफरमानियां रब दीआं करनियां, करप्शन ते चोर बाजार इंज ही होणा है। मैनू मस्जिद बैठे हो ध्यान दारी नाल बड़े बड़े ओदियां वाले भजे फिरदे ने के नहीं, बोलो लुके फिरदे ने के नहीं। इसलिए मैं कह रहा दौलत एडा मान ना कर बंदिया, सड़कां ते रुलदे नवाब वेखे। इस जग विच बंदिया परौणा है तू आया, परौणियां नूं जाना पैंदा है, परौणियां नूं जाना पैंदा है। इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा। अब कुर्सी किसी ने वफा नहीं कर दी, जो दो दिन मिल जाए ते तौन च सरिया आ जांदा है। बड़े बड़े आए, दसां बारह साल की तारीख पढ़ लो, बहुता नहीं सिर्फ बारह चौदह साल ही देख लो की हालात ने। डर जाओ, अजे भी मौका रब कोल मुआफी मांग के रब नाल ताल्लुक मजबूत कर लो। मैं अर्ज करना चाहना इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया, परौणियां नूं जाना पैंदा ए, कंधा दे के तैनो टोरना जहान ने, मिट्टी थले आउना तेरी इस उची शान ने, तेरे अमला ने रहना ए बगाया, परौणियां नूं जाना पैंदा ए, परौणियां नूं जाना पैंदा ए। हुण मैं गल अगे तोरां, हज बैतुल्ला दा अजरो सवाब भी मैं अर्ज कर दिता है, ते जड़े ताकत रखदे उन्हां ते बैतुल्ला दा जिंदगी च एक मरतबा हज फर्ज है, ये भी गुजारिश कर दिती। हुण मेरा मौजू गरीबां दा हज, गरीब लोग जिन्हां कोल 12-13 लख है ही नहीं, ओह केड़े पासे जाण। हजरात खुदा दी कसम रसूलुल्लाह दी जबान विचों एक एक लफज निकलिया, ये सोने दे पानी नाल लिखिए हक अदा हुंदा। हजरात इन हुवा इल्ला वहयु यूहा दी जबान वाले ने फरमाया, कुछ अमाल इंज दे आका ने दसे जेड़े बैतुल्ला दे हज ते बराबर अजरो सवाब पहुंच जांदा है। फरीजा अलैदा अजरो सवाब दी गल सुन लो। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरात में अर्ज करना चाहना, पहली रवायत हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला नो, इस हदीस दे रावी ने हजरत अनस बिन मालिक बयान करते ने, जेड़ा बंदा फजर दी नमाज बा जमात अदा करे, फजर दी नमाज बा जमात अदा करे, अगर तिरमिजी दी रवायत है, मेरा ईमान दिल को दिल लगा के मुहब्बत नाल तुसी इको रवायत सुनो, तुहाडा हुणे दिल बाग बाग हो जाए, बुलियां ते खंड ते सीने अंदर ठंड पै जाए। ये मैं गारंटी नाल कह रहे हैं, लेकिन जरूरत है तवज्जो दी, मुहब्बत नाल तवज्जो नाल। नबी पाक दी हदीस सुनियांगे, हजरत अनस बिन मालिक बयान कर दे, जेड़ा बंदा हजरात फजर दी नमाज बा जमात अदा करे, बा जमात नमाज अदा करके उथे बह जाए मस्जिद अंदर, अल्लाह पाक का जिक्र अदकार करे, कुरान पाक की तलावत करे।
करे। हजरात जिक्र करते हैं, तलावत करते हैं, चट वक्त गुजरिया, इधर सूरज निकल आया। आका फरमाते ने सूरज निकलन दे बाद दो रकात नमाज अदा कर लवे, दो रकात नमाज अदा कर लवे, उठ के घर नूं तुर पे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, इस अमल दे बदले इमाम कायनात ने फरमाया है, अल्लाह पाक एक मुकम्मल बैतुल्ला दा हज, एक मुकम्मल उम्रे दा अजरो सवाब अता फरमा देंगे। मस्जिद बैठे हो, मरकज तो ईदगाह वालों, ईमानदारी ने दसो एक काम औखा है? फजर की नमाज बाद जमात पढ़ के उथे जिक्र अजकार कुरान पाक की तलावत दिन चढ़ गया, दो रकात नमाज। हजरात मेरी तरफ देखना, दो रकात पढ़ के जेड़ा घर नूं जाए एक मुकम्मल बैतुल्ला दे हज दा सवाब, एक मुकम्मल उम्रे दा सवाब अल्लाह पाक इस बंदे नूं अता कर देंदे ने। और रावी बयान करदा है, सुनो लोको ध्यान नाल, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, रावी बयान करदा है, आका ने एक गल तीन मरतबा दोहराई, तीन मरतबा नबी पाक ने एक गल दोबारा दोहराई। जेड़ा बंदा सुबह दिन चढ़े तक फजर पढ़ के मस्जिद अंदर बैठा रहे ते फिर दो रकात पढ़ के जाए, मुकम्मल हज मुकम्मल उम्रे दा सवाब। उन्दे रुतबे न कोई तोले, उन्दे रुतबे न कोई तोले, उन्दी केड़ा रीस करे जिंदे लबा उते रब बोले। इन हुआ इल्ला वहयू, इमाम कायनात ने फरमाया, हजरात जेड़ा अल्लाह पाक दे आर्डर तो बगैर महबूब बोलता ही नहीं, उन्हें हज उमरे दा सवाब दसिया है। हुण मैं दूजी रवायत पढ़न लगा, दूसरी रवायत इधर मेरी तरफ देखना, ए अबू दाऊद दी रवायत है। इस रवायत दे रावी हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला नो, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, लोगो जेड़ा बंदा फर्जी नमाज वास्ते करूं वजू करके जाता है, नमाज फजर जोर असर मगरब इशा खुतबा जुमा पढ़ने वास्ते करूं वजू करके तुर पैंदा है, अजे मस्जिद पहुंचिया नहीं, मस्जिद तो पहले पहले पहुंचने की गल कर रहा, इंदी नीयत है वे मैं नमाज बाद जमात जाके अदा करांगा। मैनू अल्लाह पाक की इज्जत की कसम है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जेड़ा बंदा करूं वजू करके हजरात करूं वजू करके फरीजा अदा करने वास्ते तुर पैंदा है, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन एक मुकम्मल हज बैतुल्ला दा अजरो सवाब अता फरमा देंदे ने। मैं अजरो सवाब की बात कर रहा, करूं मस्जिद अंदर वजू करना जायज है, मेहमान मुसाफिर दूर दराज तू बंदा जल्दी आंदा कर लेंदा कोई अर्ज नहीं, लेकिन अजरो सवाब और नेकी की बात करा, जेड़ा बंदा करूं वजू करके फर्ज अदा करन तुरे हज दा सवाब, जेड़ा करूं वजू करके मस्जिद अंदर नफल पढ़न वास्ते आए नफली नमाज, अल्लाह पाक उन्हें पूरे उम्रे दा अजरो सवाब अता फरमा दिन दिन। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरात मेरी तरफ देखना, ऐ प्यारियां प्यारियां ते मिठियां मिठियां बातां बिलखुसूस उन्हां लोकां वास्ते, सारे अमल करन ते सोने ते सुहागा है, मैं अर्ज अल्लाह सारियां नूं अमल करन दी तौफीक दे, लेकिन मैं अर्ज करना चाहना, बाद मेरे यार सज्जन बेली आंदे ने, मौलाना पैसे कोई नहीं, दिल बड़ा कर बैतुल्ला जाइए, दिल की हसरत मक्का देखिए मदीना देखिए, लेकिन पैसे कोई नहीं, हजरात मेरी तरफ देखना, ये दिन रात दुआवां करी जांदे, दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जद ज़ियारत पावां मदीने
दिया ते मदीने दा दसा की सोना घर घर सोना जी जी सोना घर घर सोना जी जी सोना। ओ मेरे प्यारे ओ वीरो मदीना वेखो अजमत वाला बैतुल्ला वेखो ओ भी अजमत वाला। अल्लाह करे जिन्हां शहरां अंदर कुरान नाज़िल होया जिथे मक्की मदनी सरकार तुरदे फिरदे रहे अल्लाह पाक सानू जल्दी जल्दी उन्हां शहरां की ज़ियारत करवा देवे। मैं मोहब्बत ना पैगाम दे रहा दिल लगता नहीं पाकिस्तान अंदर मेरी जान मदीने दी जान अंदर वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर जद ज़ियारतां पावा मदीने दिया मदीने दा दसा की सोना घर घर सोना जी जी सोना भेड़ां बकरियां गावां मदीने दिया। ए शरबत संदल किस काम दा पानी पीन वाला सम सम दाए मक्के विच जाके पानी पीवा नाले खजूरा खावा मदीने दिया। और बड़ी मोहब्बत वाला पैगाम है डीयू पैप्सी कोले मरिंडा पैप्सी कोले किस कम दे मंगा टूटिया कूलर सम सम दे ते मेरे बगदे अथरू ता थम दे सानू रज रज के सम सम पिला मेरे मौला सानू रज रज के सम सम पिला साडे अल्लाह। कोई ऐसा करम कमा मेरे मौला इस साल बैतुल्ला विखा मेरे मौला आमीन को। हजरात गरीबां दा हज बहुते पैसे जिंदे कोल नहीं तीजी रवायत सुनो आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपा फरमांदे ने जेड़ा बंदा घरों तैयारी करके मस्जिद नूं तुर पैंदा की करन मैं दरसे कुरान सुनन वास्ते जा रहा वां दीन दा इलम सीखन वास्ते जा रहा दीन दा इलम सिखाण वाला दीन दा इलम सीखण वाला कुरान ओ हदीस दा इलम सिखाण वाला कुरान ओ हदीस दा इलम सीखण वाला। हजरात मेरी तरफ देखना इंज दे तालिब इलम ते उम्र दी कोई कायद नहीं भावे बच्चा है भावे बूढ़ा जवान है इंज दे तालिब इलम नाल दीन दे तालिब इलम नाल अल्लाह पाक मुहब्बत करदे रब दे फरिश्ते मुहब्बत फरमांदे ने। इमाम कायनात ने फरमाया इलम सीखन वाले सिखाण वाले जेड़ा घरों तुर पैंदा अल्लाह पाक कदम कदम ते नेकियां कदम कदम ते सआदतां मुकम्मल हज ते उमरे दा अजर ओ सवाब अल्लाह पाक अता कर देंदा है। मस्जिद वास्ते तुर पे है कि मैं दीन पढ़ांगा ते सिखां सिखावांगा उमरे दा सवाब हज बैतुल्ला दा सवाब। हजरात मेरी तरफ देखना तीन गल्लां चौथे नंबर ते आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे हाजी नो उमरा कराए या हज बैतुल्ला कराए अल्लाह पाक ने उन्हूं माल दिता उमरा करा दे यानी तैयारी दे अंदर खर्च करवा देवे। तीन गल्ला अगर कोई बंदा जिहाद ते जा रहा है मुजाहद ते खर्च करे तें दी तैयारी करवाए गरीब माड़ा बंदा ओनू रोजे रखाए रोसैरियां तारियां दा बंदोबस्त करे रोजेदार दे बराबर सवाब मुजाहद दी तैयारी करवाए होया के जिहाद करन दे बराबर अजरों सवाब। जेड़ा बंदा बैतुल्ला नूं कोई जा रहा है उनकी तैयारी करवाए ते तावुन करे मुहब्बत करे हजरात खुदा दी कसम आका फरमांदे हज बैतुल्ला दे बराबर अजरो सवाब मिलेगा रोजेदार मुजाहद ते हाजी दे बराबर सवाब है इन्हां दे अजरो सवाब विचों कोई भी कमी कोताही नहीं कीती जानी। चार तीन चार बातां हुण पंजवीं गल सुणियां जे आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने हजरत अब्दुल्ला इस हदीस दे रावी इमाम कायनात दे गुलाम अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला बयान करते रसी अल्लाह ताला नो जेड़ा बंदा रमजान अंदर उमरा करे आका फरमाते रमजान अंदर बैतुल्ला दा तवाफ कर लवे रमजान उल मुबारक अंदर बैतुल्ला दा उमरा करन वाला गल्ला दो ने एक ते मुकम्मल हज बैतुल्ला दा सवाब दूजी रवायत अंदर आका फरमांदे जेड़ा रमजान अंदर उमरा करे गोया कि उन्हें मैं मुहम्मद दे नाल मिलके बैतुल्ला दा हज ते तवाफ कर ले आए दो रवायतां एक रवायत अंदर मुकम्मल हज दा सवाब दूजी रवायत आका फरमांदे गोया के उन्हें मेरे नाल मिलके बैतुल्ला दा हज कर लिया बैतुल्ला दा तवाफ कर लिया हजरत जाबर बयान कर दे जेड़ा बंदा उमरा ते हज बैतुल्ला करन जांदा अल्लाह पाक फरमांदे ने ए लोग मेरे मेहमान ने हजरत हाजी कहंदे मेहमान ने अल्लाह पाक दे मेहमान अल्लाह पाक ने हाजियां नू उमरा करन वाले हज बैतुल्ला करन वालियां नू अपना मेहमान गया फरमाया ए मेरे मेहमान ने मेरे कोल मंगण आ रहे ने जो जो मंगणगे मैं रब इन्हां नू अता करदा जावांगा ए मंगदे जाणगे मैं अता करदा जावांगा अल्लाह करे रब्बुल आलमीन ऐसा नू सआदत नसीब कर देवे अगर हजरात जब तक सआदत हजरात पे पहुंच नहीं जाते ऐ ओ आमाल ने जो रसूलुल्लाह ने दसे इन्हां ते अमल करो करे बैठिया हज बैतुल्लाह दा सवाब उमरे दा सवाब आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रसूलुल्लाह फरमांदे एक बंदा बैतुल्लाह दी तैयारी करदा है हज दी तैयारी कागज जमा कर एक ना पिछले दिनों बंदा मैनू आंदा खुदा दी कसम 11 साल हो गए मैं जमा कराना कागज रिजेक्ट हो जांदे हुण जाके नंबर लगा है सुभान अल्लाह ये अल्लाह पाक दीयां मर्जियां हजरात गौर करना जेड़ा बंदा दिल दे अंदर तड़प रखे एक रवायत अंदर नीयत कर ले पुख्ता इरादा कर ले या अल्लाह मैनू बैतुल्लाह दा हज करा दे खुदा दी कसम ओंदी इस नीयत ते आका फरमांदे रब बैतुल्लाह दे हज दा पूरा सवाब अता कर दे हज दा माणी कसद करना इरादा करना बैतुल्लाह दी ज़ियारत सफा मरवा दी सही ते तवाफ इंदा माणी यही बनता है जेड़ा खालस नीयत ना इरादा करे हज दा सवाब है ते जेड़ा बंदा आका फरमांदे तैयारी कर ले तुर पिया एक दे रस्ते अंदर ही फौत हो गया अल्लाह पाक इनू पूरे हज दा सवाब अता कर देवेगा दूजे नंबर ते आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा तैयारी कर ली हज बैतुल्ला दी उथे पहुंच जांदा है बैतुल्ला दा हज ते तवाफ करन वास्ते पहुंच गया लबई अल्लाहुम्मा लबई ओ नौजवानों बाबेओ ए लबई पढ़ रहा तवाफ करता फिरदा इसे हाल अंदर मर गया आमीना दे लाल फरमांदे ने जग्गा दे पीर ने फरमाया बैतुल्ला दा तवाफ उमरा हज बैतुल्ला करदिया जेड़ा एहराम अंदर फौत हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह पाक इनू हज दा पूरा सवाब अता करेगा कल कयामत दा दिन होएगा ये जदू बंदा कबर चू उठाया जाएगा लबई अल्लाहुम्मा लबई पढ़दा ही उठाया जाएगा आका फरमांदे नबी पाक दे नाल एक साथी हज ते गया ऊंटनी तू गिरिया बेफौत हो गया एहराम दी हालत अंदर आका फरमांदे ने बेरी दे पत्तियां नाल गुसल दियो बेरी दे गुसल दियो इंदा सर नहीं ढांकना क्योंकि एराम दी हालत अंदर सी इनू दफन करो खुशबू नहीं लगानी फरमाया जिवें एराम दी हालत अंदर फौत होया कल कयामत नूं इंजी उठाया जाएगा
तलबिया पढ़दा उठाया जाएगा। साडे बाबा जी हाफिज लखवी मरहूम रहमतुल्ला अलैह बड़ा प्यारा तर्जमा करदे, अंदाज भी उन्हां दा कमाल। जिस हालत विच मरदा कोई उसे हाल उठी वे, गल समझ आ रही है पंजाबी दी। जिस हालत मरदा कोई उसे हाल उठी वे, जारी खून शहीदां महके मुश्क मुअत्तर थीवे, हाजी पढ़न लबैक उठी सन, हाजी पढ़न लबैक उठी सन, मोए जो हज करेंदे इलम कुरान जो पढ़ते मरदे उठी सन ओ पढ़ी दे। ओ जड़ा कुरान पढ़ते हैं मरे ओ तलावत करते हैं उठेगा। आका फरमांदे जड़ा करूं कुरान पढ़न दीन सिखन तुर पैंदे, मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम बंदा इंजी है जिवें इहराम दी हालत अंदर तुरिया फिरदा है। मस्जिद अंदर दीन सिखन सिखान ली जेड़ा करूं निकल पैंदे, आका फरमांदे गोया इंजी है जिवें इहराम दी हालत अंदर मैं अर्ज कर रहा। हाजी पढ़न लब्बै कोठी सन मोए जो हज करेंदे, इल्म कुरान जो पढ़दे मरदे उठसन ओ पढ़ींदे, विच नमाज जे कोई मरसी, विच नमाज मरे जे कोई ते उठसी पूरी करदा, मारो मार करेंदा उठसी जंगा विच जो मरदा। एक गल हाफिज़ लखवी ने औरतां दे मुतल्लक भी कही है, जिहड़ी मातम करन वालियां बहन करन वालियां, औरत दुनिया वाली उठसी ते रो रो बैन करेंदी, गल समझ आ रही है हदीस दा तर्जमा कर रहे हैं। औरत दुनिया वाली उठसी रो रो बैन करेंदी, मुंह कुत्ते दा होसी उसदा ते रोंदी जहन्नम जासी। औरतां मातम करन वालियां बैन करन वालियां, अल्लाह रोंदे रसूल दी बगावत ना फरमानी अंदर वक्त गुजारन वालियां, मैं अक्सर क्या करना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आओ थोड़ी कु गल और अगे चलाइए, टाइम मुकदा जा रहा है, अज घड़ी भी बड़ी तेज है, अल्लाह जाने क्या मसला है, ते मेरा तेरा भी जिंदगी दा टाइम नेड़े लगता जा रहा है। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते कुरान आया, अल्लाह पाक फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, असा इब्राहिम नबी नु ऐलान कर दिता, वा अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यादू न कर जालू अला कुल जामिन, या तीन मिल कुल फजन अमी। मेरे खलीला ऐलान करना तेरा काम है, बैतुल्ला दी तरह लोकां दा मुंह मोड़ना मैं रब दा काम है। हजरात मैं गल मुकावां, इतने पैसे लखां रुपये ला के नहीं जा सकते इत्थे बह के, हज बैतुल्ला दा जरो सवाब हासिल करना चाहते ने तरीका कार क्या। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां चंद बातां हजरात मैं तुहाडे सामने अर्ज कर दित्तियां, हुण एक दो
दो गल्ला और सुन लो। आमीना दे लाल कुले बंदा आया आंदा सोने जिहाद करना जाना चाहना जिहाद ते जाना चाहना लेकिन मेरे अंदर कुव्वत ते ताकत कोई नहीं। जिहाद ते जाना चाहना लेकिन ताकत कोई नहीं। आका फरमांदे ने क्या तेरी अम्मी जिंदा है क्या तेरी मां जिंदा है। आंदा जी सुने नौजवानों बाबे ओ गल सुनिया जे आंदा जी मेरी अम्मा जिंदा मेरी मां जिंदा। इमाम कायनात ने फरमाया जा चला जा अपनी अम्मी दी खिदमत तू कर ले अल्लाह पाक तेनो हज बैतुल्लाह दा अजरो सवाब देवेगा उमरे दा अजरो सवाब देवेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजाहद दे बराबर तेनो अजरो सवाब अता कर देवेगा। जा अपनी मां दी खिदमत कर अपनी अम्मी दी खिदमत करना तेरा कम अल्लाह पाक अजरो सवाब मुजाहद दे बराबर एक जिहाद करन दे बराबर हाजी जड़ा बैतुल्लाह दा हज करदा है उंदे बराबर अजरो सवाब अता कर देवेगा। मैं अर्ज करना चाहना ऐ ओ अमल ने जिन्हां दी बिना ते हज बैतुल्लाह दा सवाब अजरो सवाब हासिल कीता जा सकदा है। मां बाप दी खिदमत दे हवाले नाल एक गल और याद आई यमन तो एक बंदा आया इन्हें अपने मोढ़ियां ते मां नूं चुकिया बूढ़ी मां बीमार है इन्हें बैतुल्लाह दा हज ते उमरा करान लई अपनी अम्मी नूं मोढ़ियां ते बिठाया चुके लै पे लै के तुर पिया नाले कंधियां ते अम्मी नूं चुके बैतुल्लाह दा तवाफ कराई जांदा है। हजरात नाले दुआवां पढ़ी जांदा है बड़ी बड़े दुआवां और चंद शेर भी पढ़दा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर उमर इब्ने खताब दे बेटे रज़ी अल्लाह तआला नो हजरत उमर दी नजर पई ए हजरत उमर दे करीब आया आके आंदा जी अब्दुल्लाह जी मैनू मसला दसो मैं अपनी अम्मी दी खिदमत कर रहा वा अपनी मां नू अपने मोढ़ियां ते चुक के बैतुल्लाह दा तवाफ ते उमरा करा रहा वा क्या मैं अपनी मां दी खिदमत दा हक अदा कर दिता है या कोई ना। हजरत अब्दुल्लाह फरमांदे ने अजे ते उस तकलीफ दा हक अदा नहीं होया जदों तू पैदा होया से ते तेरी मां ने जड़ी तकलीफ उठाई ओ अजे ते ओंदा भी हक अदा नहीं होया। इत्थे हजरत पुत्र जवान माड़ी जी खिदमत करके एहसान कर देंदे ने खुदा दी कसम पूरी जिंदगी मापियां दी खिदमत करो एहसान दा बदला नहीं पूरी जिंदगी मां दी ताबेदारी अंदर वक्त गुजारिया जाए ओ कंधियां ते चुक के बैतुल्लाह दा हज कराया जाए। ओ मां जदों पैदा होया बच्चा जड़ी तकलीफ बर्दाश्त कीती है सारी जिंदगी एक पासे उस तकलीफ दा हक अदा हुंदा ते अजकल दियां नकमियां बेकार औलादा जदों तंग कर दियां मां बाप कहंदे ने मौलाना इंदे नालों ते बेऔलाद हुंदे ते चंगा सी अस्तगफिरुल्लाह ते क्यों कहंदे ने मां बाप औलाद दे दुखों बाबा बीमार थोड़ी जी खंघ आ जाए कहंदे ने बाबे दी चार पई चुको कितने स्टोर सुटो ना सौंदा ना सौण देंदा अस्तगफिरुल्लाह बाबा आप स्टोर में चार पाई ले जाए छत पे चले जाए क्यों बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं बीवी इनकी शर्म नहीं आती औलादाएं अजकल मापियां दी खंग भी नहीं जरदियां ये पंजाबी शेर जे ध्यान ना बोग ते गल समझ आएगी। जरदियां मतलब मां बाप नूं खांसी आए ते पुत्र नफरत करदे ने गुस्सा हुंदा है क्या फायदा है जदी नकम्मी औलाद दा कि अब्बे नूं खांसी आए ते नफरत पैदा हो जाए। औलादाएं अजकल मापियां दी खंग भी नहीं जरदियां औलादाएं अजकल मापियां दी खंग भी नहीं जरदियां पुत्र पावे जान भी मंगे पुत्र पावे जान भी मंगे मावां ना नहीं कर दिया औलादा अजकल मापियां दी खंग भी नहीं जर दिया खून जिगर दा देख के मावा बच्चियां नू पाल दिया खून जिगर दा देख के मावा बच्चियां नू संभाल दिया धुप्पे सड़के पाले ठरके धुप्पे सड़के पाले ठरके औलादा नू संभाल दिया दुख दिया पुत्र दे दुख दिया पुत्रां दे सीने
विच जरदियां औलादां अजकल मापियां दी खंघ भी नहीं जरदियां औलादां अजकल मापियां दी खंघ भी नहीं जरदियां पुत्तर पावे जान भी मंगे मावां ना नहीं करदियां औलादां अजकल मापियां दी खंघ भी नहीं जरदियां। अगला जुमला ध्यान ना सुनने वाला इधर मेरी तरफ वेखे आजे और बड़ा पैर मोहब्बत वाला जुमला मां दे पैरां थल्ले जन्नत विच हदीस दे आया है मां दे कदमां थल्ले जन्नत विच हदीस दे आया है मां प्यो राजी ते अल्लाह राजी मां प्यो राजी ते अल्लाह राजी सोने ने फरमाया है जेड़ियां अखां मां नूं वेखण जेड़ियां अखां मां नूं वेखण जेड़ियां अखां मां नूं वेखण हाथ कर दियां औलादां अजकल मापियां दी खंघ भी नहीं जरदियां पुत्तर पावे जान भी मंगे मावां ना नहीं करदियां औलादां अजकल मापियां दी खंघ भी नहीं जरदियां रब्बी रहम होमा कमा रब्बा यानी सगीरा ओ नौजवानो औलादां तुहाडियां ओ जमींदारो ओ ताजरो दुकान दारो अगर किसी ताजर बंदे दी औलाद ना फरमान होए बड़ा दुख लगता है उलामा दुआवां करदे ने कदे तुसां भी सोचिया करो बंदा आलमे दीन होए जुमे पढ़ाए ते नमाज़ां ते खुतबे तकरीरां ऐसे बंदे दी औलाद ना फरमान होए ते दसो आलमे दीन दे दिल ते की गुजरदी होएगी या अल्लाह मेरे उलामा दियां औलादां नूं नेक बना आमीन कहो। एक बुजुर्ग आलमे दीन जुमे पढ़ांदा है सारा दिन बच्चे कुत्ते लड़ांदे कबूतर उड़ांदे हजरात भंगी ते चरसी शराबी लोकां ना पैंदे सारा दिन बिलियर्ड ते फिल्मां ते थिएटर ते सैनमियां ते टाइम जाया करदे ने लोग अक्सर कहिंदे रहिंदे ने मौलाना ऐ नकम्मी औलाद नूं समझाओ तुसीं जुमे पढ़ांदे हो बात करदे हो तुहाडियां औलादां बे ए आवारा गर्दी करदियां फिरदियां इन्हां नूं भी मस्जिद वाले पासे ले आओ बाबा जी परेशान तुहानू पता है जवान पुत्र नू समझाना केड़ा सौखा है अगर बेटा जवान होए अब्बा जी को सख्ती ना गल करे खुदा दी कसम उखड़ी कुहाड़ी वांगू अब्बे नू पै जांदा है। कई बाबे आंदे ने मौलाना जिवें सूर बदल जांदा है उवें नकमियां औलादां बदल जांदियां ने इन्हां नू कौड़ी गल नहीं कीती जा सकदी अपनी इज्जत अपने हथ अंदर अगर माड़ी जी सख्ती करांगे ते बदतमीजियां ते उतर आणगे हजरात की फायदा मैनू खुदा दी कसम बड़ा दुख तकलीफ है जिहड़ी औलाद अपने मां बाप नू दिन रात डरांदी परेशान धमकांदी है यानी मां बाप जिस औलाद दे फितने तू डरदे ने शर तू डरदे ने ऐसी निकम्मी औलाद दा क्या फायदा अब्बू डरदा होए अम्मी डरदी होए इन्हां नू मां अपने पुत्र ते औलादां ते बेटियां दे फितनियां दा हजरात बदतमीजी दा डर होए खुदा अल्लाह पाक कोल डर जाओ इन्हां दी खिदमत करोगे हज बैतुल्लाह दा सवाब है ना फरमानी करोगे दुनिया अंदर भी अजाब है ते आखरत नूं भी अजाब है। मैं गल सुना रहा एक दिन मौलाना ने खुतबा जुमा पढ़ाया नाल कोठे ते गवांडियां दे हजरात मस्जिद ते गवांड अंदर मकान दी छत ते चढ़ के मुंडा कबूतर उड़ांदा रहा आलमे दीन दा बेटा कबूतर उड़ांदा रहा उधर जुमा हो रहा है खुदा दी कसम जुमा पढ़ के बाबिया ने कारी साहब नूं बिठाया मौलाना तुसी जुमे पढ़ांदे हो तुहाडियां औलादां सारा दिन आवारा गर्दी करदियां ऐ तुहाडा मुंडा अज कबूतर उड़ांदा रहा भंगियां नाल यारी चरसियां नाल यारी सानूं कहिंदे हो यारी चंगी लाओ ते मुंडियां नूं समझाओ जदों बाबियां नमाजियां जमातियां इंतजामियां क्लास लई मौलाना बड़े परेशान होए घरे आ गए सारा दिन परेशानी च गुजर गया शाम दा टाइम है नकम्मा बेकार बेटा है घरे आए चार पाई ते बह के आंदा मैनू खाना पेश करो अब
अब्बा जी उठ पे अपनी जगह तू पुत्र दी जुतियां वाली जगह ते आए। पुत्र दा जूता चुके उन्हूं पकड़ांदे ने बेटा ए जूता पकड़ लै ते सर तू पग ला दित्ती है अपनी पगड़ी ते टोपी ला के आंदे ने बेटा जितना दिल करदा ही अपने अबू दे सर दे अंदर छित्र मार लै। बेटा दा अबू जी क्यों इंज दियां गल्लां कर रहे हो। बाप रो के आंदा नकम्मिया सारा दिन आवारा गर्दी करने नित तेरियां शिकायतां उलामे आंदे ने आज मैं जुमा पढ़ा रहा ते तू कबूतर उड़ा रहा तेनू शर्म नहीं आंदी। ए अबू दे चार तीलियां दा लिहाज ही नहीं करना है ए जुत्ती फड़ लै जितना दिल करदा ही अपने प्यो दे सिर च मार लै रब दा वास्ता तू मार ले लोकां कोल ना मरवा। हजरात बाबे ने इस अंदाज ने तरबियत की बेटे नू समझ आ गई। रो के आंदा बाबा पिछलियां मुआफ कर दियो अल्लाह पाक अगे मैं तौबा करना दुआ करो रब मैनू मुआफ कर देवे एंदा तू बाद मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। ओ नौजवानो सलासत ला यदखुलून अल जन्ना तीन बंदे कदी जन्नत नहीं जानगे मैनू रब दी कसम है जन्नत जाना ते बाद दी गल है जन्नत दियां खुशबुआं हराम ने। ये तीन बंदे केड़े इन्हां चों इक वालदैन दा ना फरमान वालदैन दा ना फरमान कदी भी रब दी जन्नत अंदर नहीं जाएगा। इज्जत चाहुंदे हो खिदमत कर लो अजरों सवाब चाहुंदे हो खिदमत कर लो। हजरात जिहड़ा मां बाप अपना हुस्ने सलूक करे खिदमत करे हज बैतुल्ला दा अजरो सवाब। हजरात मेरी तरफ देखना मां दी खिदमत करन वाला मुजाहिदीन दे बराबर अजरो सवाब। या अल्लाह जिन्हां दियां जीउंदियां खिदमत दी तौफीक दे जिन्हां दियां टुर गईयां आखिर दियां मंजिलां आसान कर दे। जे टुर गई है कब्र अंदर वीर आमां नहीं ओ लबनी सजणा आमां नहीं ओ लबनी जदू दुनिया ठुकराएगी तेनू मायाद आएगी तू कब्र ते बह रोएगा अगों पे रहा नहीं ओ लबनी अवीरिया नहीं ओ लबनी रुलावेगा सतावे जे दिल मांदा दुखावेंगा गमा तू सर छुपावण लई किधरे पीछा नहीं ओ लबनी अवीरिया मां नहीं ओ लबनी रब्बी रहम होमा कमा रब्बा यानी सगीरा। दो जुमले और सुन लो तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा ए ओ हस्तियां ने कि जिन्हां दी खिदमत करो गुणा मुआव जिन्हां दी खिदमत करो उमर अंदर बरकत मापियां दी खिदमत करो रोशी अंदर बरकत हज्जां दा सवाब। हजरात मेरी तरफ देखना तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावन एवें तेने लोकी रोंदे मावां नूं मां दियां यादां गम ते हार परो गईयां इक वेले विच किन्नियां कंदा हो गईयां इक वेले विच किन्नियां कंदा हो गईयां मां ने जोड़ी रखिया सब भैन भरावां नूं एवें तेनी लोकी रोंदे मावां जहर जुदाइयां बाला पीना पैणा है मर मर के हुण सानू जीना पैणा मर मर के हुण सानू जीना पैणा है कित्थों लभीए यार
ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਯਾਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਯਾਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਯਾਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮ ਹੋਵਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਜ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਲੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਯਾਹੀਆ ਅਸੀਦ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਏ ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਆਰੇ ਨਾ ਮਨਾਸਿਕਨਾ ਵਾ ਤੋਬਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਇਨਨਾ ਕਾ ਅੰਤ ਤਵਾ ਬਰ ਰਹੀ ਕੀ ਮਾਣੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ ਵਾ ਆਰੇ ਨਾ ਮਨਾਸਿਕਨਾ ਵਾ ਤੋਬਾ ਲੈਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤ ਤਵਾ ਬਰਹੀ ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਕਾਰੀ ਯਾਹੀਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਰ ਮੁਹੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਗਰ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬੀ ਜਾਲਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਆਖਰੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਅੰਦਰ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਏ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਜ ਤੇ ਤਵਾਫ ਨਸੀਬ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਹਜ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋ ਜੰਮੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਾਵਜੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਬਹਾਏ ਵਾ ਆਰੇ ਨਾ ਮਨਾ ਸਿਕਨਾ ਵਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੋਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੇਤੀ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਏ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਸਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹਸਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਜਲਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਿਖਾ ਕਹੋ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੇਤੀ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਏ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਸਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਘੁੰਮਾ ਨਾਲੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਚੁੰਮਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੁਬਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਕੁਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਕਹੋ
नाल-नाल तर्जमा हो जाए। इस्लाम दी सब तो पहले जिहड़ी नबी पाक ने मदीने जाण तो बाद पहली मस्जिद बनाई, उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। इसे मस्जिद कुबा की गल कर रहे हैं। इस्लाम दी पहली मस्जिद कुबा जिंदे बारे नबी पाक गए फरमा, दो नफल च उम्र दा सवाब, दो नफल च उम्र दा सवाब, तेरे जाग पैने सुते होए भाग, इना दोन दी रीस कोई ना। बैतुल्ला ते रब दा जलाल, मदीने विच रहमत कमाल, इना दोन दी रीस कोई ना। काबे उते रब दा रोब वसदा, काबे उते रब दा रोब वसदा, बैतुल्ला दे दीवार हर कोई नसदा, कोई नसे ते कोई धीमी धीमी चाल, कोई नसे ते कोई धीमी धीमी चाल, उठे सब दे ने वखो वका हाल, इना दोना दी रीस कोई ना, इना दोना दी रीस कोई ना। बैतुल्ला ते रब दा जलाल, मदीने विच रहमत कमाल, इना दोना दी रीस कोई ना। हरम विच बड़ी ते रब जानदा, हरम विच बड़ी ते रब जानदा, दुनिया दा उथे कोई नहीं याद आंदा, भुल जांदे ने निके निके बाल, भुल जांदे ने छोटे छोटे बाल, जदू वेखिए गलाब काबे दा गलाब, इना दोना दी रीस कोई ना। इन सफा वल मरवा ता मिन शाइर इल्ला फमन हज्जल बैता, अबिया तमारा फला जुना अलैह अय्यत तवफ बिहिमा, वमन ततवा खैरा فإن الله شاكر عليم। بس کر اسماعیل عتیق موڑ قلم دا گھوڑا ساری عمر تے دکھ مک دے نہیں ہن ورکا رہ گیا تھوڑا سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین।